बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 मैथ्स की, ठीक है। 1.3 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अगर आप बुक में देखें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। अब वो इक्वेशंस कौन सी हैं, वो टाइप ऑफ इक्वेशन, हम लोग पहले वन बाई वन इसको जनरल व्यू देख लेते हैं, देन हम इसको अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। टाइप ऑफ इक्वेशंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप वन आएगी वो हमारे पास है एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स के प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वेयर से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अगर अब आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या हो रही है, एक्स की पावर 4। ये अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हायर इक्वेशन आ जाती हैं, हायर टर्म्स ऑफ इक्वेशन या हायर पावर ऑफ इक्वेशन हम लोग इसको कह सकते हैं। यहाँ अगेन ए बी सी हमारे पास क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स, और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है होल्स नंबर पे, ठीक है, कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक, अगर मैं कोई भी जनरल फॉर्म लिखती हूँ इस इक्वेशन की, इस टाइप की, तो हमारे पास अगर मैं एक ए बी सी कोएफिशिएंट को कोई भी वैल्यू दे रही हूँ, लाइक 3x4 प्लस 6x2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो इस तरह की आपको पावर मिलेंगी आपके क्वेश्चंस नंबर जो ये स्टार्ट होंगे एक्सरसाइज के 1 से लेके 5 तक, जिसको हम लोग अपने एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। टाइप 2 जो है हमारे पास वो है ए पी ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पे ए बी सी अगेन क्या है, कोएफिशिएंट्स, और अगेन इसकी वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3 से एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे पी ऑफ एक्स टर्म है, पी ऑफ एक्स हमारे पास बेसिकली कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग अपने कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी अगर मैं कोई जनरल वैल्यू दे दूँ इस इक्वेशन को अपनी, तो वो ये क्या होगी, ए की वैल्यू में कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेती हूँ, 6 पी ऑफ एक्स में ले लेती हूँ, 3x प्लस 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे 6, 9, 8 हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब ये जो 3x प्लस 1 है ये हमारे पास क्या है, फंक्शन। जहाँ कि आपको अपनी एक्सरसाइज पे कुछ इक्वेशन जो है वो देखने को मिलेगी, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, इस तरह के आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। टाइप 3 जो है वो है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन का क्या मतलब है कि आपको अपनी एक्सरसाइज में कुछ इस टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी, ए एक्स के प्लस 1 बाय एक्स के प्लस बी एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ की टाइप आपको मिलेंगी अपने एक्सरसाइज में, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन के लायक ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होती हैं, यहाँ पे ए बी सी अगेन कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे अगेन उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो एक्सरसाइज में होगा 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 सेम इस टाइप के इक्वेशन होंगे आपके पास, रेसिप्रोकल इक्वेशन। फोर अगर आप लोग देखें तो टाइप 4 क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है, आपके पास बेसिकली पावर। अब पावर से यहाँ पे क्या मराद है, बेसिकली यहाँ पे पावर का मतलब ये है कि आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे ऑकर्स इन पावर, कि आपके पास जो एक्स वाई जी कोई भी आपके पास है वेरिएबल, वो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो पावर में आ रही होंगी इक्वेशन के, उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लाइक आपके पास मैं कोई भी इक्वेशन लिख देती हूँ, 5 1 प्लस x प्लस 5 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 23, ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पे देखिए x जो है इसमें किस में आ रहा है, पावर में आ रहा है, मतलब कि एक्सपोनेंट में आ रहा है। तो इस तरह की इक्वेशन जो होगी आपके पास वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी, और ये एक्सरसाइज आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास है क्वेश्चन ए एक्स प्लस ए
एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 28 की जगह कुछ भी हो सकता है आपके पास, इस तरह के फॉर्म हो गया आपके पास आपकी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे ए बी सी डी हमारे पास अगेन क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं, और यहाँ पे अगेन इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके जनरल फॉर्म अगर लिखूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल्स टू 28। तो ये जनरल फॉर्म बनेगी आपके टाइप फाइव की। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 15 एंड 16 है आपके पास वो इस टाइप की इक्वेशन के होंगे। तो टाइप्स थी आपके पास एक्सरसाइज 1.3 में। एक्सरसाइज 1.3 को अच्छी तरह से सोल्व करने से पहले आपको इस पांचों की पांचों टाइप्स का पता होना ज़रूरी होगा। आपको ये पांचों की पांचों टाइप अपने माइंड में अच्छी तरह से पहले इसको रखनी है ताकि आपके सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो, ठीक है, ताकि आपको देखते साथ ही पता चल जाए ये कौन से टाइप है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है या टाइप 5 है। मैंने आपको साथ साथ क्वेश्चन भी मार्क करवा दिए हैं कि इतने इतने क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में ये टाइप 1 के हैं, टाइप 2 के हैं, टाइप 3 के हैं या टाइप 4 एंड 5 के हैं। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप अच्छी तरह से इन टाइप्स को अपने माइंड में रख लें, ये अच्छी तरह से इस टाइप्स की गो थ्रू कर लें ताकि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। थैंक यू।